हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 पार्ट 4 है माटी वाली कृति का भाग 1 हिंदी, जो विद्यासागर नौटियाल जी का है। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कट्टर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत चूल्हे चौके की लिपाई के लिए हर घर की थी। पूरे टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक थे। चूँकि उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था, जो ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि हर दिन सुबह उठकर माटा खाना जाती और फिर शाम तक उसे बेचती, फिर घर आकर उसे अपने और बुड्ढे के लिए भोजन भी बनाती। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इस बात का आशय है, जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर होता है, ना कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के रूप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़ें विरासत होती हैं। मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे और वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। चूँकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर सम्मान और प्रेम की भावना थी, चूँकि उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है, विरासत की चीज़ें उनके लिए अनमोल थीं। अगला प्रश्न है 5वां, माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस कमजोरी को प्रकट करता है। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बुड्ढे पति का पेट भरना होता है, इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए भी बचाकर लाती, ताकि उसका पेट भी भर सके। अगला प्रश्न है 6वां, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बुड्ढे पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था, वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी। इस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी, परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोचकर माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्यों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि गरीबों का घर नहीं छिनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुँची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसके पास कोई अपना नहीं था, उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। चूँकि बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे, उसके लिए अब घर भी शमशान के समान लग रहा था। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां, विस्थापन की समस्या पर नए अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के कारण, बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को काफ़ी हद तक रोकती है। यह लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर जमीन छीन लेती है। उनके बच्चों का विकास को भी यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्गों के घरों मकानों पर होगा। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।